चलिए, सबको वॉइस वीडियो क्लियर है? यस सर। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ जनरल फॉर्मूला, ठीक है? ओके फाइन, सबको वॉइस वीडियो स्क्रीन एक बार क्लियर है? क्या डिसीजन स्टार्ट कर सकते हैं? ओके कल देखा था हमने दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहले था सैचुरेट और दूसरा था अनसैचुरेट। सैचुरेट में सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेट में डबल बॉन्ड आता है, राइट? कल हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेम लिखने के तरीके, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ढूंढा जाता है और किस तरीके से हाँ बोलो दिग्विजय, कनेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक मिनट, तुम ज्वाइन हो रहे हो, ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। एक काम करो, फिर से ज्वाइन डिसकनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो। ओके तो यहाँ पे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक था डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड राइट? ओके यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम डबल बॉन्ड की। जनरल फॉर्मूला इसका रहेगा CN H2N, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो है उसका डबल कर दो। और सबसे पहले बात करें डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते थे, ENE, राइट? अब एक कार्बन और डबल बॉन्ड, एक कार्बन और डबल बॉन्ड क्या नाम बनेगा? एक कार्बन मतलब मीथ, मीथेन, और डबल बॉन्ड मतलब मीथीन, ठीक है? देखते हैं क्या ये पॉसिबल बन पाएगा। कुछ बच्चे जुड़ नहीं पा रहे, एक मिनट रुको। दिग्विजय जुड़ नहीं पा रहा है, दिग्विजय क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन फाइन चलो। हाँ अब मीथेन मतलब एक कार्बन लेना है और आपको डबल बॉन्ड बनाना है, वापस दो लोग। क्या ऐसा पॉसिबल है एक कार्बन और डबल बॉन्ड? यहाँ पे कम से कम एक और कार्बन होना चाहिए था जिससे पहले वाला कार्बन दो बॉन्ड से जुड़ सके। यहाँ पे मीथिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीथिन में एक कार्बन है, राइट? और मीथिन के अकॉर्डिंग आप ENE पीछे लगा रहे हो तो आपको दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो बनने वाले नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी वन है,
तो यहाँ पे कम से कम दो बॉन्ड बनाने के लिए एक और कार्बन यहाँ पे होना चाहिए था, और अगर आपने एक और कार्बन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, राइट? मतलब ये हुआ इसका कि मीथिन है वो पॉसिबल नहीं है, आप मीथिन नहीं बना सकते। मीथिन में एक ही कार्बन है, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन आपके पास चाहिए, और मीथिन में एक ही कार्बन है, तो मीथिन पॉसिबल नहीं है, मीथिन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस अब इथिन की बात कर रहे हैं। पर सर, अभी आपने हाँ बोला कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है बराबर, तो हाँ फिर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लग सकता उसकी जगह? ना ना ना, अभी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात कर रहे हैं। दूसरे एलिमेंट लगा सकते हैं, बट वो हम कल परसों टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से एटम्स हैं वो लगा सकते हैं। वो टॉपिक थोड़ा बाजू में है अभी, तो डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ऐसा करोगे आप वहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी लगा सकते हो, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। चलिए, अभी यहाँ पे ईथ मतलब दो कार्बन और डबल बॉन्ड, तो आसानी से बन सकता है दो कार्बन और डबल बॉन्ड। यहाँ पे पहले वाले कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है और दूसरे कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। बीच में से इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? राइट, फॉर्मूला क्या बना इसका? फॉर्मूला क्या बना? C2H2, देख सकते हो, डबल कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसका क्या कर देना है, डबल कर देना है, और वैसे भी फॉर्मूला ही था CnH2n, यहाँ पे जो n है उसका डबल कर दो आप, राइट। चलिए, ये हो गया इथीन का फॉर्मूला। अब बनाएंगे प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन में तीन कार्बन है, थ्री कार्बन प्लस डबल बॉन्ड। पहले हम थ्री कार्बन ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पे ही लगाना है। डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पे ही लगाना है, आप पूरी चेन में डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे, या तो ऐसा हो सकता है या तो इस तरीके से। डबल बॉन्ड है वो कहीं एक जगह पे ही लगाना है आपको, हर जगह पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अभी क्या फॉर्मूला बनेगा ध्वनि? फॉर्मूला क्या बनेगा ध्वनि बताएगी? कौन बताएगा कौन क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H8 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
या तो फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है? देख सकते हो आप यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, थ्री कार्बन है, तो सामने सिक्स हाइड्रोजन है। चेक कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, राइट? फॉर्मूला था हमारा सी एन एच टू एन डबल वाला। और ये फॉर्मूला कब लगता है? डबल बॉन्ड में लगता है। डबल बॉन्ड मतलब डबल करना है, सिंपल बात याद रखो, डबल बॉन्ड मतलब डबल करना है। फाइनल फॉर्मूला क्या है इसका? C3H6, C3H6। चलिए, प्रोपीन हुआ, अब ब्यूटीन। ब्यूटीन पेंटीन और हेक्सीन आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, फॉर्मूला और फिर स्ट्रक्चर। ब्यूटीन मतलब चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन, पेंटीन पांच कार्बन 10 हाइड्रोजन, हेक्सीन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बना? C4H8, C5H10, C6H12, राइट? स्ट्रक्चर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, अब आप क्या करो, किसी एक जगह पे, कहीं पे भी एक जगह पे, मैं यहाँ पे चलो सेंटर में, कहीं एक जगह पे ही डबल बॉन्ड लगाना है। मैं हमेशा सेंटर में लगा के चलता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं, कुछ लोग एकदम लास्ट में लगाते हैं, वो आपके ऊपर है। बट डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पे लगाना है, दो बार नहीं लगाना है। अब जो बाकी बचेगा उसमें हम सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। ध्यान रखना है किसी की वैलेंसी चार से ज़्यादा ना हो जाए। देख सकते हो किसी की वैलेंसी चार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो वन टू और थ्री, एक वैलेंसी बाकी है। किसी कार्बन की चार से ज़्यादा वैलेंसी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनेगा। जहाँ कुछ नहीं अपने छोड़ दिया उसको ऐसे लगा देना है। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अल्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है अल्किन में? चलिए, भी यहाँ पे नया स्टार्ट कर रहे हैं हम। अल्काइन, अब अल्काइन के बारे में आप जानते हो, इसमें कार्बन होते हैं, साथ में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, राइट? ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहला मेंबर चलो कोशिश करते हैं बनाने की, मिथाइन। मतलब कितने कार्बन आएंगे?
कक्ष बताएगा कैसे करना है। कक्ष बता रहा है, एक मिनट। वन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डबल करके माइनस दो कर देना है। डबल करके माइनस दो कर देना है। मेरे को बोलने का है। हाँ वन हाइड्रोजन टू होगा, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, टू या वन होगा। वन कार्बन है उसका डबल कर कितना हुआ, वन टू। टू में से टू माइनस करो, जीरो। अब ये क्या हुआ, सी वन एच जीरो, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं हो रहा है तो क्या ये बन पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मिथाइन पॉसिबल नहीं है, आपने पीछे भी देखा हुआ था कि जो अल्किन थी अल्किन में भी मिथिन पॉसिबल नहीं था, राइट। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिथाइन, तो आपको पता होगा तभी आप वहाँ पे लिख पाओगे कि आपको पता होना चाहिए कि मिथाइन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं तो फॉर्मूला कहाँ से बनाए। आई बात समझ में, हाइड्रोकार्बन है तो कुछ ना कुछ कम से कम एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यहाँ पे तो जीरो हाइड्रोजन आ गया तो आप कैसे पता कर पाओगे, राइट। तो मिथाइन पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखेंगे इथाइन, इथाइन अब ईथ है मतलब दो कार्बन आएंगे तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, फॉर्मूले से जाओ डबल करके माइनस दो, डबल करके माइनस दो, दो का दो है, डबल किया चार, चार में से दो गया मतलब दो, कितना आएगा सी टू एच टू। दो कार्बन है, दो कार्बन ड्रॉ कर लिए, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं तो सी टू और एच टू है, तो आपने बोला था दो दो सेम हो तो कट हो सकते हैं, कहाँ पे ये इधर फॉर्मूला जो आपने टेबल बना उसमें सी टू एच टू है तो टू टू कट नहीं होगा। वो वाली हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कंफ्यूजन होता है सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसमें भी अभी टाइप्स आए इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा आप पढ़ रहे थे कार्बन के, कार्बन को छोड़कर ऑर्गेनिक में सिर्फ आप कार्बन ही पढ़ रहे हो, ठीक है। इसको आप कट करोगे तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा फिर, और हमें क्या करना है, इस जनरल फॉर्मूले से चलना है। आई बात समझ में, मतलब धीरे धीरे कार्बन ही कार्बन है उसके अलावा हाइड्रोजन। हाँ अभी है, आप कार्बन के साथ और भी कंपाउंड लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखते जाओ, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड बताओ, प्रोपाइन, प्रोपाइन नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, श्रद्धा फोर, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे, हाइड्रोजन कितने बनेंगे डबल करके माइनस दो, फोर। फोर फॉर्मूला क्या बनेगा,
चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कितना हो रहा है। तीन कार्बन चाहिए, किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी में सिंगल, सबकी चार वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। देख सकते हो आप यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो क्लियरली दिख रहा है आपको, चार हाइड्रोजन और तीन कार्बन। फॉर्मूले से आपको क्या, आपका टाइम बच जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। चलिए प्रियांशी बताएगी। वैसे भी सर आप तो सीक्वेंस वाइज ही जा रहे हैं, फोर कार्बन। हाइड्रोजन में क्या करना है, डबल करके माइनस दो, सिक्स सी फोर एच सिक्स। चार कार्बन किसी के बीच में कहाँ लगाने, बोलो डबल बॉन्ड, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहाँ लगाने? सेकंड एंड थर्ड। हर एक कार्बन की चार वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। देख सकते हो फॉर्मूला बन गया आपका। जैनी बताएगी। डबल करके माइनस दो, पांच का डबल कितना हुआ, टेन, एट आएगा, माइनस दो, चेक करते हैं। चलो वन टू थ्री फोर और फाइव, डबल बॉन्ड कहाँ लगाने बताओ, फर्स्ट पे सेकंड पे कहाँ लगाना है, फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर पे या फिफ्थ पे? जैनी यस सर, यस सर, कहाँ पे लगाना है ट्रिपल बॉन्ड? कहाँ पे लगाओ बताओ, कहीं पे लगा सकते हैं या कोई फिक्स जगह फिक्स है कि यहाँ पे लगा सकते हो ऐसा? फोर्थ। चलिए फोर्थ पे लगा दिया, वन टू थ्री। अब इसकी तीन वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये चौथी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ओके अब वन टू वन वन टू वन वन टू वन, जहां बचा वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बट एक बार ही लगाना है आपको, एक ही बार लगाना है, ठीक है? देख सकते हो यहां पे एक दो तीन चार, हो गया पांच, छ, सात और आठ हाइड्रोजन आ गए। चलिए आखिरी वाला दिग्विजय बताएगा। सिक्स कार्बन,
टेन हाइड्रोजन, टेन हाइड्रोजन डबल किया, हाँ बारह में से दो निकाला तो कितना आ गया, दस आ गया, ये हो गया सी सिक्स एच टेन। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, बताओ कहाँ लगाएं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी। वन पे टू पे थ्री पे कहाँ लगाएं, थ्री पे, थ्री पे। चलिए ये लग गया थ्री के ऊपर, तीन बॉन्ड हो गए। अब जहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे सिंगल वैलेंसी डाल दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, आगे दस हाइड्रोजन, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, अल्किन अल्काइन कैसे लिखना होता है ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, सीधा आपको ऐसा पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर कि आप क्या करो, प्रोपाइन में कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है। और कभी कभी बॉन्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, टोटल बॉन्ड्स, हाँ टोटल बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड कितने हैं वो पूछे गए हैं। या फिर ऐसा पूछा गया है कि इथीन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है और बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहले तो आपको समझ जाना है कि प्रोपाइन है, अब प्रोपाइन का फॉर्मूला मतलब त्रिपट बॉन्ड लगाने हैं आपको, तीन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाने हैं, कहीं भी लगा दो आप, तीन बॉन्ड हो गए, बाकी जो बचा वहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है कितने कार्बन आ गए इसके पास, चार कार्बन और सॉरी तीन कार्बन और चार हाइड्रोजन। और वैसे भी आपको मालूम है फॉर्मूला, ट्रिपल बॉन्ड में क्या फॉर्मूला था, सी एन एच टू एन माइनस टू, डबल करके माइनस दो करना है। अब कार्बन कितने आपके पास, तीन है, तीन का डबल किया तो छः आया, छः में से दो माइनस करो तो कितना आ गया, चार, देख सकते हो आप यहाँ पे चार आ गया। आपको ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा हर एक में, बिना आप डायग्राम बना के भी आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ सकते हो। जैसे इसमें देखो आप इथिन की बात करें, इथिन मतलब डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सी एन एच टू एन जो है उसका डबल करो। अब इथ में कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं, तो दो का डबल करो कितना हो जाएगा, चार, तो ये कितना हुआ, दो कार्बन और चार हाइड्रोजन। पूछा है टोटल बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है बना लेते हैं कितने बॉन्ड हो रहे हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टोटल बॉन्ड कितने हुए, छह बॉन्ड हुए। तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कभी ऐसा सीधा भी सवाल आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ द इथिन, आपको सीधा सवाल आ जाता है कि आप क्या करो, इथिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, राइट, तो आप वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। अभी सात मिनट बची है, एक बार फटाफट क्विक फायर राउंड ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ आंसर बताना है, जिसका नाम लिखा होगा वो आंसर बताएगा।
पहले का आंसर ध्वनि वन एंड टू हाउ मेनी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन इथीन एंड इथाइन वन एक में तो वन आएगा ना सर पर इथीन और इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन पूछा है पर दोनों में एक ही आए मतलब दोनों में दो ही आए ना वो तो दो एक ही आएगा दोनों में पीछे का हाइड्रोजन थोड़ी पूछा बॉन्ड थोड़ी पूछा दोनों में वन आएगा मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि क्या आंसर आएगा इधर दोनों में वन वन आएगा सर मीथेन मीथेन होता तो वन आता ना ईथ लिखा हुआ इधर ईथ है ईथ लिखा हुआ है ठीक है चाहे यहाँ ये वाला क्या इन्फॉर्मेशन देगा कितने बॉन्ड लगाने वो इन्फॉर्मेशन देगा बाकी आगे का तो क्या देगा आपको नंबर ऑफ कार्बन देगा दोनों में ईथ लिखा हुआ है दोनों में कितने कार्बन थोड़ा दो कार्बन नंबर वाला कंफ्यूजन ओके इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया ताकि वो थोड़ा क्लियर हो जाए आपका प्रिंस जलाराम दो जीरो सर चार फोर हाँ फोर सिंगल बॉन्ड होगा या ए एन ई लिखा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ई एन ई लिखा होगा तो ये फार्मूला यूज़ करोगे और वाई एन ई लिखा होगा तो ये फार्मूला यूज़ करोगे देखो यहाँ पे वाई एन ई लिखा हुआ है ठीक है मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी एन एच टू एन माइनस टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रोपाइन क्या लिखा हुआ है प्रोपाइन प्रो मतलब पबजी प्रो कितना होता है तीन कार्बन और वायनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड ठीक है वैल्यू पुट अप कर दो तीन का डबल करके माइनस दो सी थ्री तीन का डबल छः माइनस दो करो चार आ गया तो ये फॉर्मूला क्या करेगा आपको सीधा मतलब कंपाउंड देख के ही आप अपने दिमाग में ही क्या कर सकते हो उसका फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो तुरंत ही फॉर्मूला देखो ईजी ट्रिक है स्टार्टिंग में 2n प्लस टू करना है फिर 2 को निकाल देना है और फिर माइनस टू कर देना है देखो छोटी सी ट्रिक बन रही है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए प्लस टू करना है डबल बॉन्ड में 2 गायब हो गया है यहाँ से और ट्रिपल बॉन्ड में माइनस टू करना है बाकी सेम टू सेम है सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन और सी एन एच टू एन माइनस टू राइट और सीधा लॉजिक है ना अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो तो इतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि दो हाइड्रोजन लगने चाहिए वहाँ पे दो दो बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में सेट हो जाते हैं तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कम होने ही होने हैं चलिए तीसरा क्वेश्चन लिया जाए
दिमाग वाला क्वेश्चन। शिवांग नहीं नहीं प्रियांशी मीटिंग कंटिन्यूअस है, तुरंत ज्वाइन हो जाना, मैं तुरंत लिंक भेज दूंगा। सबको वॉइस वीडियो क्लियर है सर? मींस वो नहीं मालूम है, वो आपको खुद ही पता करना है। कोई भी रख सकते हैं ना, लेकिन नहीं 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 कुछ लॉजिक है देखो इसके पीछे, कुछ लॉजिक है यहाँ पे। कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं? चार, और हाइड्रोजन कितने हैं? दस। तो इसके बीच में कुछ लॉजिक है देखो। फोर का डबल प्लस टू मतलब एन ही आएगा, फर्स्ट आएगा मतलब ये लगेगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था इसका, ऐसा कुछ लगेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था? अल्केन का था। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? चार हैं। कार्बन चार है मतलब क्या नाम होगा? पहले का मीथ, दूसरे का ईथ, तीसरे का प्रोप, चौथे का ब्यूट। और ये तो क्या बोल रहा है? ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, टक्स बताएगा अभी। फर्स्ट में जीरो आएगा एंड सेकंड में टू आएगा। फर्स्ट जीरो सेकंड टू, टू आएगा फर्स्ट जीरो सेकंड टू। क्यों जीरो क्यों आएगा? मीथ, मीथ का वो सर उसका कार्बन एक ही होता है, उसको डबल करेंगे तो टू आएगा, टू माइनस टू करेंगे तो जीरो, टू आएगा टू माइनस टू करेंगे तो जीरो। डबल करना है या माइनस करना है? कितने बॉन्ड बनने चाहिए भाई? बॉन्ड 3 बनने चाहिए। हाँ, और कम से कम बॉन्ड 3 बॉन्ड बनने के लिए या 2 बॉन्ड बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? दो कार्बन, कार्बन हाँ, दो हाइड्रो, दो कार्बन तो होने,
होने ही चाहिए, मीथेन में तो एक ही कार्बन है और इथेन में तो है, इसलिए इसीलिए ये पॉसिबल। हाँ इथेन में क्या हो जाएगा, चलिए मिथाइन में तो क्या हो गया, जीरो जीरो हाइड्रोजन हो गया और इथाइन में टू। फॉर्मूला क्या था इसका, वाईएनई का जनरल फॉर्मूला क्या था, पैटर्न थी ना ऐसे कुछ, इसको डबल करते माइनस टू, इसको डबल करते जो 2n, सब में 2n तो आ ही रहा है, सेकंड वाले में बट पहले वाले में प्लस 2 करना है, सेकंड वाले में माइनस 2 करना है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, yne के लिए यूज़ करते हैं, ये ene के लिए यूज़ करते हैं और ये ane के लिए यूज़ करते हैं। अब देख लो तुम कौन सा लगेगा इसमें, 2 ही आएगा ना, तो 2 ही आएगा ना, तो हाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि इथाइन, इथाइन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, दो कार्बन, दो का डबल करो कितना आया, चार, दो का डबल कितना आया, दो का डबल चार आया और चार में से दो माइनस करो तो कितना हो गया, दो, यहाँ पे कितना आ गया, दो। चलिए फॉर्मूले में किसी को कोई परेशानी है, नो फॉर्मूले में किसी को कोई परेशानी नहीं ना, चलिए यहाँ पे कुछ भी कोई भी दिमाग में कुछ मतलब लेके मत चलना, डाउट है तो अभी पूछो मुझे, अगर कुछ रहेगा तो मैं फिर से पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट कोई डाउट साथ में लेके नहीं चलेगा कि चलो वो आगे समझ में आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिमाग में मत रखना। एक मार्क को डिजर्व करने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में दिख जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन जा रहा है किसके लिए, ईएनई में है ना, प्लस माइनस कुछ आता नहीं है और ईएनई में माइनस टू करते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाता है। क्वेश्चन का मीनिंग बताओ पहले प्रियांशी। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन प्रोपेन एंड प्रोपीन में क्या डिफरेंस है, कार्बन इसमें कार्बन कितना होगा और इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें ईएन ही है मतलब इसमें ईएन ही 6 और प्लस 8, इसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, इसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन और इसमें 3, ओके और इसमें इसमें डबल 6 प्लस माइनस नहीं है 6। अच्छा कुछ पूछा है यहाँ पे देखो, दो का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछा है तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 2। देखा आपका पूरा कंसेप्ट मतलब आ गया इसके अंदर, एक छोटे से आंसर में आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। चलिए आगे
खुशी यस सर सर इसमें वो बताना है कि पहले कौन मेल्ट होगा और पहले कौन बॉइल होगा वो बताना है। तो राइट राइट हाँ डेकन पहले मेल्ट होगा ना क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। फिर भी थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसमें फर्स्ट वाल एग्जाम में ना डबल बॉन्ड है और डेकन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला जो वो पहले मेल्ट होगा पहले बॉइल होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगा उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, ज़्यादा है, तो उसको ब्रेक करने में, ठीक है, स्ट्रेंथ या मतलब उसकी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जाके वो क्या होगा, बॉयल या मेल्ट होगा। और इसमें सिंगल बॉन्ड में कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, ये कैसा वीक है, वीक बॉन्ड है। और अगर आपने थोड़ी सी भी हीट दे दी तो क्या हो जाएगा, मेल्ट और बॉयल हो जाएगा, तुरंत ये चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो उसको हीट कम चाहिए, हीट कम चाहिए मतलब वो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। इसका एमपी और बीपी कैसा है, लो है। तो अगर हम हेक्सेन और डेकेन की बात करें, हेक्सेन और डेकेन की बात करें, जनरली क्या होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। चलिए श्रद्धा तीनों एक साथ ड्रॉ करना करने के लिए बुलाए ताकि कंफ्यूजन हो तो भी क्लियर हो जाए। किसी को समझ में ना आए तो मुझे बताओ। श्रद्धा पहले का फॉर्मूला बताओ। श्रद्धा
श्रद्धा आवाज सुन पा रहे हो? प्रिंस बताओ, प्रिंस जलाराम। क्या आंसर आएगा? यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? इधर आप सर लिखो, मैं बोलता हूँ। आप सर लिखो, मैं बोलता हूँ। पढ़ा पढ़ा थोड़ा लिखो याद। पांच कार्बन है, पांच का डबल किया प्लस टू किया तो 12 आ गया। यहाँ पे भी पांच कार्बन है तो उसका डबल करो कितना हुआ 10। और यहाँ पे पांच कार्बन है उसका डबल करो और माइनस टू कर दो, मतलब कितना हो गया? सही है। चलिए स्ट्रक्चर पूछा है बनाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर भी पूछा था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये क्वेश्चन क्यों लिया? ताकि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, राइट? अब ये तो सिंगल बॉन्ड है, कहीं लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड है तो आप कहीं भी लगाओ, मैं हमें सेंटर में लगा देता हूँ। इस तरीके से बन जाएगा। किसी कार्बन के पास पांच पांच भाई बॉन्ड मत लगा देना, वो कार्बन भी हैंडल नहीं कर पाएगा उसको। किसी कार्बन को पांच मत लगा देना। चलिए मैंने कहाँ गलती की मुझे बताना, कहाँ गलती की है मुझे बताना। ये तीनों में कहीं पे कोई गलती आपको दिख रही है ए बी सी में? गलती कौन ढूंढ के निकालेगा? बी में गलती है सर, बी में सर। वो इज इक्वल बी में गलती, डबल बॉन्ड में इधर 5 हो गए। अच्छा यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो ये मैंने ऐसा किया है, ये आप ऐसा मत करना। एक कार्बन के पास कभी भी पांच पांच बॉन्ड नहीं हो सकते, एक को हटाना पड़ेगा आपको, चार ही बॉन्ड होंगे। आप डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, कुछ भी हो, आपको चार बॉन्ड ही रखने हैं उसके पास, ठीक है? चलिए आज का आखिरी टॉपिक, उसके बाद हम यहाँ पे मीटिंग ख़त्म करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में। टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। बुक में से डेफिनेशन पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगी, पहले इसका मीनिंग समझेंगे। सीरीज कंट्रोल बी कंट्रोल आई, सीरीज का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? चलिए होमोलोगस सीरीज क्या है, मैं जिसको बताऊं वो मुझे फॉर्मूला बताएगा फटाफट जल्दी से। अब कोई दिमाग में वो नहीं होना चाहिए डाउट, देख ली जाए फॉर्मूला बताओ इसका। C1H2
चलो कोई बात नहीं। वनी फॉर्मूला फॉर्मूला ध्वनि आवाज सुन पा रहे हो? ध्वनि शायद मीटिंग में है, नहीं है ध्वनि, कुछ नहीं बोल पा रही है। चलिए जय नहीं बताएगी। जय नहीं यस सर। फॉर्मूला क्या आएगा इथेन का? दो कितने कार्बन लेने हैं? फोर दो का डबल करो, सिक्स प्लस टू करो, सिक्स हो गया फॉर्मूला। चलिए बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा। अभी खुशी बताएगी। थ्री थ्री एच एट थ्री का डबल सिक्स प्लस टू। प्रिंस जलाराम सर दूसरी बार, हाँ सर प्रिंस फॉर्मूला चलो भाई देर मत करो जल्दी से। ब्यूट मतलब चार कार्बन, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। चार का डबल करो एक, उसमें प्लस टू करो। क्या सर? उसमें प्लस टू किया? हाँ हाँ टेन। फोर टू जा एट प्लस टू टेन हुआ ना? हाँ हाँ टेन। ओके आखरी प्रियांशी पेंट मतलब सी फाइव एच ट्वेल्व H12, बिल्कुल सही। ध्यान से देखना, अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। इसमें और इसमें कार्बन का कितना डिफरेंस है? वन। एक कार्बन का वन। और इसमें हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? सेम। इसमें और इसमें कार्बन का डिफरेंस कितना है? और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है? सिमिलरली इसमें और इसमें देखो आप कितना डिफरेंस है? वन कार्बन का। यहाँ से यहाँ पे आठ हाइड्रोजन दस हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ। सेम इसमें भी देखो एक कार्बन चार से पाँच हो गया, हाइड्रोजन आठ से दस हो गया, दो हाइड्रोजन। वैसे सॉरी आप चेक करते करते जाओगे और आखिरी में जो आता है दस नंबर पे कौन? डेकेन। उधर भी आप चेक करोगे
उधर भी आप चेक करोगे तो आपको यही डिफरेंस मिलेगा, वन कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब हम बहुत सारे कंपाउंड को एक लाइन में लिखते हैं तो पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में, या फिर दूसरे कंपाउंड और तीसरे कंपाउंड के बीच में, या फिर तीसरे कंपाउंड और चौथे कंपाउंड के बीच में, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम। फिर से बता रहा हूँ, आप सेम लिखोगे इससे अच्छा वहाँ पे कांस्टेंट वर्ड लिखना थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, जब हम किसी कंपाउंड को एक सीरीज में लिखते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, तो पहले कंपाउंड का फॉर्मूला और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला, या फिर दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला और तीसरे कंपाउंड का फॉर्मूला, या फिर तीसरे कंपाउंड का फॉर्मूला या फिर चौथे कंपाउंड के फॉर्मूला, उनमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम ही रहते हैं। देख सकते हो आप, वन कार्बन का डिफरेंस आ रहा है सब में, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे पाँचवें में, पाँचवें छठे में। नंबर ऑफ कार्बन देखो, वन कार्बन, वन कार्बन, वन कार्बन, सब में सेम आ रहा है। सेम वे फर्स्ट और सेकंड में हाइड्रोजन देखो, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। सेकंड थर्ड में दो हाइड्रोजन, थर्ड फोर में दो हाइड्रोजन, फोर फाइव में दो हाइड्रोजन। मतलब आप देख सकते हो कि दो कंपाउंड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है, किसका डिफरेंस, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, अ सीरीज फॉर्म बाय द हाइड्रोकार्बन्स इन विच नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई सीरीज जिसमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसको समझने में, ये इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कौन सी बनी, किसको होमोलोगस सीरीज बोलना है, इसको आपको होमोलोगस सीरीज बोलना है। ये क्या हुई, होमोलोगस सीरीज हुई। ठीक है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ठीक है, 1C2H, 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 सब में सेम कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। बच्चा लोग समझ में आ रहा है, हाँ नहीं बोल रहे आप लोग? यस सर। समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल का दे दो, फिर हम सब लोग मीटिंग को यहाँ भी क्लोज कर देंगे। No. क्या ये होमोलोगस सीरीज है? No. पर सर कितना भी प्लस करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, पर 32 ये 36 ही कहां से आया? 32 ये 36 नहीं, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा अगर ऐसा हुआ तो दो हाइड्रोजन,
एक कार्बन, चार हाइड्रोजन आ गया। देखो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं जा रहा आपका, मतलब ये होमोलोगस सीरीज नो है या नहीं? नहीं है। ठीक है चलिए फिर, पूरा एक हवर का वीडियो है, मैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये वीडियो पूरा। अगर आप नहीं समझ में आया है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। दूसरी बात, अभी कोई बीच में बोलेगा नहीं, मुझे जो बोलना है पहले एक बार बोल लेने दो, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके आज का जो हमारा रहा डिसीजन, क्या किया आज हमने, अल्किन को ठीक से पढ़ा फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले बनाए हमने, स्ट्रक्चर देखा, फॉर्मूले देखे, उसके बाद अल्काइन को देखा पूरा डिटेल में, इसको एक्सप्लेन किया, समझा उसको। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ होमोलोगस सीरीज, उसको भी हमने समझा, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करना है, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, ब्लैंक्स भी की बहुत सारी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया, ये सारी बातें आज हमने आज के टॉपिक, आज के डे में डिस्कस किया। कल जो हमारा रहेगा टॉपिक का नाम है आपका फंक्शनल ग्रुप, बट मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम कोविड की वजह से इस चैप्टर का जो फंक्शनल ग्रुप था उस पूरे को हटा दिया गया था, इवन फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो चैप्टर है उस पूरे को हटा दिया था। मतलब अगर कहने जाएं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर कहने जाएं तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर कोविड के हिसाब से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जाना अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट देखो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 11th में और 12th में केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मतलब साइंस वाली स्ट्रीम में जाएंगे, तो अब उनका छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हो आपका भी इस साल रिड्यूस सिलेबस ही रहेगा, स्कूल ओपन होने का कोई चांसेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा आपको फंक्शनल ग्रुप, चाहे स्कूल में चाहे ना पढ़ाए या रिड्यूस सिलेबस में कट हो जाए, एग्ज़ाम में ना आए, बट हम एक काम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको हम समझ लेंगे, कैसे उसका नोमेनक्लेचर करना है, कैसे आपको लगाना है, कैसे उसको मतलब समझना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, बट जितना समझना है, जितना ज़रूरी है उतना हम समझ लेंगे। राइट, वैसे देखने जाएं तो चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया कार्बन कंपाउंड, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम छोड़े ना, काफ़ी सारे बच्चे इसमें से साइंस लेने वाले। तो हम कल से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और उसका मतलब ओवरव्यू, डीप में नहीं जाएंगे उसको, मतलब जितना पढ़ना है इतना हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क के बारे में बात करूँ तो कोई होमवर्क सबमिट नहीं कराना है, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा संडे टेस्ट का, अभी भी मैंने उन बच्चों की पीडीएफ देखी भी नहीं है। आप होमवर्क पहले सबमिट कराओ, 8.1, 8.2, 8.3, होमवर्क नहीं करोगे तो आपका सब कुछ छूटेगा, अभी से बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस आपकी होगी नहीं, इसलिए होमवर्क करते रहो। और किसी को कुछ मुझे सर, पूछना हो तो बताओ। शुरू से एकदम लिखना हो तो मतलब 8.1 से स्टार्ट करें सर, शुरू से एकदम लिखना हो तो मतलब 8.1 से स्टार्ट करें। हाँ, 8.1 से स्टार्ट करो आप, जो पिछले वीक का चला गया उसको छोड़ दो, इस वीक का क्या है वो आप उसको देखो, 8.1, 8.2, 8.3, नहीं नहीं 8.4 आपके रिड्यूस सिलेबस में है, वो मतलब नहीं करना है आपको, रिड्यूस सिलेबस में 8.1 राइट, 8.1, 8.2, 8.3, और ये आपका अल्किन, अल्केन और अल्काइन के जो 10-10 है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जैसे मैंने आपको ये देखा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, आपको है ना ऐसी पूरी सीरीज बना लेनी है, ताकि आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले कैसे कैसे बनाने वो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बना के दिया था, देखो इस तरीके से ये आपको नोटबुक में पीडीएफ बना के भेज देंगे, नोटबुक में आपको ये बना लेना है ऐसा, नहीं 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 संडे को आपको नोटबुक आकर देके जाना है सर, मुझे हाँ बोलो, ये अल्केन और अल्काइन में हमें क्या क्या लिखना है, हाँ बोलो, अल्केन और अल्काइन में क्या क्या लिखना है उसमें, वो आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अरे सर ना पहले 10 ना तो ये मीथेन 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 है वो दो, ये लिखा ना मैंने, देखो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका नेम जैसे लिखा मैंने मीथाइन, फिर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको कार्बन हाइड्रोजन फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर, वैसे आपको डेकेन तक जाना है, 10 तक जाना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एग्जाम में ही पूछते हैं डायरेक्ट, आप पेपर उठा के देख लो, सेक्शन ए में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन,
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ऐसा लिख के आता है डायरेक्ट इसमें।